संबंधां दा होया खौफनाक अंत। लड़की ने फोन कर करे बुलाया लड़का। लड़की दे परिवार ने 15 साला ना बालक लड़के नु दिता जय। चार भैणा दा इक लोता भरा सी मृतक नौजवान। एक खबर फिरोजपुर दे पिंड साबुआना तो सामने आई है जिथे की 15 साला दे नाबालग लड़के नु तक्के नाल जहर दे के मौत दे घाट उतारिया गया। इल्जाम लड़के दे परिवार दे वल्लों लगाए गए ने, जिन्हां दे वल्लों जानकारी दिती गई है कि पिंड दी एक लड़की दे वल्लों लड़के नु फोन करके अपने घर बुलाया जांदा है ते फिर उत्थे लड़की दे परिवार दे वल्लों लड़के नु कुट्टिया जांदा है ते तक्के नाल जहर दे के मारन दी कोशिश कीती जांदी है, जिस तों बाद लड़का भज के अपने घर आ जांदा है ते मौके ते उसनू हस्पताल भर्ती करवाया जांदा है, जिथों उसनू फरीदकोट दे मैडिकल हस्पताल दे विच रेफर कर दिता जाता है तो उत्थे जाके इस लड़के की मौत हो जाती है। पर मौत तो पहला इस लड़के दे वलों बयान जरूर दिते गए ने, जिस विच लड़की समेत पूरे परिवार के नाम ले रहा है। मैसेज फोन लाए मेरे चाव है मुंडा करे गया उधर डाली है पुत्र वाद रहे अंदर उन्हें करे गया उधर पड़ा ने बाद तनो पता लगा बाद करे करे आ गए लड़के दी मौत दा इंसाफ लैण लई परिवार दे वलों लाश नूं थाने अगे रख के प्रदर्शन कीता जा रहा है ते इंसाफ दी मांग कीती जा रही है। बलवीर ने ते पम्मो ने ते दूजी कोवल ने की कारण दवाई क्यों पई गई है? मैं तो बाहरों आई सां ते मैं घरे गई हां ते मैं पुछया क्यों दवाई पई, कहिंदी मार के कलना ही जिंदा कर दित्ता। हुण तुसीं उसदी लाश लैके कित्थे बैठे हो? मैं सतल थाने च। की मंग की कर दे? मैं इंसाफ मांग मेरे को तिया का दान मैं किंदे सारे जीवन कला कला पुत्र सी डाला और मेरा कोई सारा नहीं है गरीब नहीं ना। साडा एक भरा सी दा ते इन्हां ने उन्हां नूं करे जबरदस्ती बुला के कुड़ी ने फोन किया ते वो कहंदी जल्दी आओ ते उन्हां ने इन्हां नूं पहला कुट्टिया है उन्दे मां प्यो ने, फिर इन्हू इन्होंने दवाई पिया दी ढा के तो पहला फिर वो कह भजा आता से उधरों तो फिर मैं इन्होंने सोटियां हथ में फड़िया सी तो फिर गाला भी देंदे सीगे भी अस तेन मार देना दे हले तो तेन असी जिंदा करके भी छड़ दिता तो नहीं तो असी तेन मार के कलना सीता उन्होंने मार ही दिता तो हूँ कल मैं फिर ਜਿਹੜੀ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਬੂ ਵਾਲੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਮਲ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ। ਮਸਲਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਸੱਦ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਘਰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਘਰੇ ਸੱਦ ਕੇ ਦਵਾਈ ਪਿਆਈ ਗਈ। ਅਦਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 180 ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਵਾ, 307 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜੋਬਨ, ਜੋਬਨ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੋਇਜ਼ਨ ਪਾਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 302 IPC ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਫਰਦਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਆ
वो एक मर्डर केस के तौर पर अगे केस पटिश की जाऊगी। रेड किए ने जी कि भी दोषी फरार ने इस वे जल्दी फड़ ले जाएंगे। हुण वेखना होगा कि 15 साला लड़के की मौत का इंसाफ पुलिस किन्नी जल्दी दवाउंदी है। फिरोजपुर तो सुखचैन सिंह की रिपोर्ट, स्काई न्यूज़ पंजाब।